बिहार के औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदे गोरिया जंगल में एक वृद्ध व्यक्ति को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दिया गया। मृतक की पहचान परमेश्वर भूया ग्राम पक्का पर के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि ओझा गुनी का आरोप लगाकर परमेश्वर भूया की टांगे से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका शव बाढ़ गौरैया के जंगल से बरामद किया है। मृतक के परिजन ने बताया कि पिछले दिनों गांव में ही एक बच्चे की बीमारी से मौत हो गई थी, मगर परिजन बच्चे की मौत का आरोप परमेश्वर पर लगा रहे थे और तब से उसकी हत्या की पिराक में लगे थे। उन्हें कल मौका मिल गया जब परमेश्वर बकरी चराने जंगल में गया हुआ था। पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर ली और उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी है। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। चराने गए तो मैंने गांव को दुश्मनी था, ये मार दिया। फिर बाजार से हम आए तो देखे तो बोले कि पापा आए, मम्मी से नहीं आया तो हम बोले कि ठीक है चलते हैं, हम भी देखने बकरी का नहीं भूल गया होगा, उधर तो उधर ही में होंगे। फिर आए तो हाला करते रहे, नहीं मिले। तो फिर हाला करे करे फिर 10 गाँव आदमी मैंने गाँव से आया तो फिर खोजने लगे, तो मतलब खोजते खोजते फिर लास्ट में मिले 8 या 10 बजे लगभग। तो फिर वहाँ पर मनो रात भर हम लोग रहे अगोरे, मैंने कुकुर कुकुर से बचा के रखे। फिर सुबह के बाद फिर बनाए तब फिर वहाँ से उठा चला चलाए। विवाद क्या चीज़ का चल रहा है? विवाद कर रहा था वो भूत भुतैया। भूत भुतैया के? हाँ। अपना गोतिया था? हाँ, गोतिया था। अपना मामला था, हत्या है। हाँ। क्या चीज़ मार के हत्या किया गया है? टांगी से कर रहा है। अच्छा, कहाँ आए हैं आप अभी? डिबरा थाना में। गिरफ्तारी भी क्या है क्या? नहीं।